खान यूनिस में आईडीएफ और अल कसाम ब्रिगेड के बीच हुई मुठभेड़, आईडीएफ हमास लड़ाकों पर कर रही है एयर स्ट्राइक। खान यूनिस में आईडीएफ हमास के बीच जारी भीषण जंग, हमास के लड़ाकों ने आईडीएफ के टैंक पर किया हमला, हमले का वीडियो हमास ने किया जारी। हमास की अलकसाम ब्रिगेड का बड़ा हमला, आईडीएफ की एक बटालियन को चारों तरफ से घेरा, बटालियन में मौजूद मार्कवा टैंक हुआ तबाह। घायल इजरायली सेना के जवानों के लिए डॉक्टर की टीम पहुंची गाजा पट्टी, गाजा में 60 घायल जवानों का किया गया रेस्क्यू। लेबनान सीमा पर हिजबुल्ला सजाल जंग के बीच आईडीएफ चीफ ने गैलिल डिवीजन का दौरा किया, सैनिकों से मिलकर हालत का जायजा। शजैया में गोलानी ब्रिगेड का विध्वंसक हमला, हमास के ठिकानों पर हुई भीषण गोलीबारी। गोलानी ब्रिगेड ने गाजा में मचाई तबाही, आईडीएफ के हमले का वीडियो जारी। शजैया में इसराइल का ग्राउंड ऑपरेशन हुआ तेज, स्कूल में हमास लड़ाकों पर जबरदस्त प्रहार, आईडीएफ ने विस्फोट से स्कूल को किया तबाह। गाजा में इसराइल ने तेज किए हमले, 24 घंटे के अंदर 300 से ज्यादा लोगों की मौत। गाजा के रण में उतरी इसराइल की आर्टिलरी कॉर्प्स, अब तक 10,000 से ज्यादा गोले गाजा में दागे, अभी तक ये यूनिट गाजा की सीमा पर थी तैनात। छत्तीसगढ़ में राज्यपाल से मिले विष्णुदेव साय, सरकार बनाने का दावा किया पेश, 13 दिसंबर को शपथ ग्रहण होगा। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष हो सकते हैं, छत्तीसगढ़ में 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, अरुण साव और विजय शर्मा बन सकते हैं उप मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश में आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में नवनिर्वाचित विधायक दल की बैठक बुलाई गई, जेपी नड्डा, मनोहर लाल खट्टर समेत कई बड़े नेता बैठक में शामिल होंगे। राजस्थान में किसी बीजेपी विधायक को तभी तक बैठक में शामिल होने की सूचना नहीं मिली है, विधायक दल की बैठक कल हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी आज वॉइस ऑफ यूथ कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, कुलपतियों, संस्थानों के प्रमुखों और संकाय सदस्यों को संबोधित करेंगे। इंडिया के संसदीय दल के नेताओं की बैठक आज, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में विपक्षी संसदीय दल के नेता बैठक करेंगे। ओडिशा, झारखंड और कोलकाता में इनकम टैक्स की छापेमारी अब भी जारी, धीरज साहू के करीबी और कंपनियों के ठिकानों पर आईटी की टीम मौजूद, अब तक 330 करोड़ रुपए मिले। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर से मिले करोड़ रुपए पर विपक्षी नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाए, विपक्षी दलों के नेताओं से मांगा जवाब। कैश कांड को लेकर बीजेपी सांसदों का संसद परिसर में प्रदर्शन, आज कांग्रेस नेता अविनाश पांडे बोले धीरज साहू से स्पष्टीकरण मांग लिया। अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी को देश के सामने माफी मांगनी चाहिए, नोटबंदी जैसी योजना फर्जी निकली, बताया कि कैसे किसी व्यक्ति के घर पर इतना पैसा निकल रहा है। हुती विद्रोहियों ने दी बड़ी चेतावनी, कहा इसराइल से डील करने वाले हमारे दुश्मन इसराइल की ओर जाने वाले जहाजों का रोकेंगे रास्ता। फ्रांस के वॉरशिप पर हूती विद्रोहियों का हमला, एफएस लैंगेडोक पर हूती ने ड्रोन से किया हमला, लाल सागर में यमन तट के पास था फ्रांसीसी फ्रिगेट। फ्रांस के युद्धपोत ने हूती विद्रोहियों के दोनों ड्रोन को लाल सागर से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर ही मार गिरा। हूती विद्रोहियों की धमकी के बाद गुस्से में इसराइल ने अमेरिका से हूती पर एक्शन की मांग की, इसराइल ने कहा अमेरिका नहीं माना तो हम करेंगे हमला। रेड सी से हूती पर हमले का इसराइल ने नया प्लान बनाया, इसराइल के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हेनकबी ने कहा अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी एक्शन नहीं लेती तो हमला करेंगे। हूती विद्रोहियों के खिलाफ अमेरिका हुआ एक्टिव, खाड़ी देशों के साथ अमेरिका की चर्चा, हूती के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सकता अमेरिका। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की नेतन्याहू से बात, दोनों नेताओं के बीच फोन पर 50 मिनट तक हुई बातचीत, गाजा पर रूस के स्टैंड पर नेतन्याहू ने जाहिर की नाराजगी। नेतन्याहू ने पुतिन से रूस ईरान गठबंधन की आलोचना की, इससे पहले 16 अक्टूबर को दोनों नेताओं के बीच हुई थी बात। इजराइल में कैबिनेट बैठक के दौरान नेतन्याहू ने यूएन में युद्ध विराम पर वीटो को लेकर बाइडेन को धन्यवाद दिया, बाइडेन ने कहा गाजा की लड़ाई पूरी ताकत से जारी। रूसी विदेश मंत्री ने गाजा पर इसराइल के हमले को गलत कहा, लावरोव ने कहा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गाजा पर ध्यान देना चाहिए, गाजा जंग का जिम्मेदार अमेरिका। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 निरस्त करना संवैधानिक है या अवैध, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आज फैसला सुनाएगी, फैसले को लेकर कश्मीर घाटी में हाई अलर्ट। ज्ञानवापी मामले में एसआई आज जिला अदालत में रिपोर्ट सौंपेगी, दोपहर के बाद रिपोर्ट सौंपे जाने की संभावना। अयोध्या में सरयू नदी के किनारे
आधुनिक टेंट सिटी तैयार है। राम की नगरी में लगाए गए 25 जगहों पर सूर्य स्थान सोलर सिटी के रूप में विकसित की जा रही है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से पहले श्री राम और हनुमान पताका की बिक्री बढ़ रही है। छोटे बड़े हर आकार में उपलब्ध है पताका। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पुणे में दोधागी श्री राम के लिए अभियान में हिस्सा लिया। रामलला के लिए पोशाक तैयार करने के लिए लोग हथकरघा बुनाई में भी जुटे हुए हैं। महाराष्ट्र के पुणे में आम नागरिकों की भागीदारी से रामलला के वस्त्र बुने जाएंगे। कई लोगों ने हथकरघे पर बैठकर भी वस्त्र को बुना है। 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल हुए अमित शाह। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अमित शाह से मुलाकात की और कहा देश भर में कराए जातिगत जनगणना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा बीजेपी ने नहीं किया जाति सर्वेक्षण का विरोध। कई पिछड़ी जातियों के साथ अन्याय के सवाल उठ रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी जातीय जनगणना की बात कही। उन्होंने कहा कि अंबेडकर के संविधान में जाति गणना के आधार पर आरक्षण दिया गया। विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक 19 दिसंबर को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होगी। कांग्रेस की ओर से दलों के प्रमुख नेताओं को बैठक का प्रस्ताव दिया गया है। गाजा जंग पर आईडीएफ का बड़ा बयान, 2024 तक जारी रहेगी जंग। हमास के खिलाफ गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन में हो रही है देरी। गाजा में इजरायली सेना ने अब तक 22,000 से ज्यादा हमले किए हैं। आईडीएफ के हमलों में 18,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। खान यूनिस इजराइल हमास जंग का नया फ्रंट बन गया है। पिछले कई दिनों से खान यूनिस में जंग जारी है। गाजा की जबालिया में भीषण लड़ाई जारी है। आईडीएफ ने 24 घंटे में जबालिया में कब्जे का दावा किया। इसराइल ने एक दिन में हमास की 850 माइंस को तबाह कर दिया है। हमास लड़ाकों ने खाली कमांड सेंटर और स्कूलों में माइंस बिछाई थी। गाजा में इजरायली फोर्स की जबरदस्त बमबारी जारी है। एक दिन में 250 से ज्यादा ठिकानों पर हमले हुए। जमीन आसमान समुद्र से अटैक। हिजबुल्ला के हमले के बाद आईडीएफ ने भी काउंटर अटैक तेज कर दिए हैं। इजरायली वायुसेना ने हिजबुल्ला के कई पोस्ट को नेस्तनाबूद कर दिया। लेबनन में इजरायल की भीषण स्ट्राइक। हिजबुल्ला के ठिकानों पर इजरायल ने बॉम्ब गिराए। हमले में हिजबुल्ला के कई लड़ाके भी मारे गए। आईडीएफ ने लेबनान में टैंक और हेलीकॉप्टर से हमले तेज कर दिए हैं। भीषण हमले में हिजबुल्ला के कई ठिकाने तबाह हुए। गाजा में राहत सामग्री के लिए लोगों की भीड़ जुट गई है। हफ्तों इंतजार के बाद राशन मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेता रतन दुबे की हत्या में शामिल चार नक्सलियों को नारायणपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। विधानसभा चुनाव से पहले हत्या कर दी गई। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से पुलिस ने 1.5 लाख के नामी हार्डकोर नक्सली को गिरफ्तार किया। पिछले माह हुए टिटोला गांव में पुलिस की हत्या में शामिल था नक्सली। जयपुर जिले में टीसी की धमकी देने पर छात्र ने की खुदकुशी। सुसाइड नोट में लिखा दोनों मैम की इच्छा पूरी हो जाएगी। दोनों शिक्षिकाएं छात्र के बोलने के लहजे का मजाक उड़ाती थी। गोगामेड़ी हत्याकांड में सामने आया दुबई कनेक्शन। सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लेने वाला कुलदीप खीचड़ गिरफ्तार। दुबई में बैठे रोहित गोदारा के निर्देश पर पोस्ट किया था। अलवर जिले में चिकानी पुलिस चौकी के सामने एक टेलर को पीएफआई के नाम से धमकी भरा पत्र मिला। जांच में जुटी पुलिस। केरल के विधायक एल्डोज कुन्नापेली पर जानलेवा हमला। कोच्चि के अस्पताल में इलाज के लिए घायल विधायक और ड्राइवर को भर्ती करा दिया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना के काफिले की गाड़ी ने कार में टक्कर मारी। NH24 पर रॉन्ग साइड से कार आ रही थी। उत्तर प्रदेश पुलिस के रडार पर लुटेरे। बुलंदशहर में डेटा तैयार करने के लिए अपराधियों की हाजिरी परेड कराई गई। 300 लुटेरों का डेटा ऑनलाइन किया गया। उत्तर प्रदेश में गुटखा विज्ञापन मामले में बॉलीवुड अभिनेताओं के खिलाफ हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया। अभिनेता में शाहरुख खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार के नाम शामिल। अयोध्या में 25 लाख रुपए की शराब नष्ट की गई। अदालत के आदेश पर 8,000 से अधिक बोतलों पर पुलिस ने बुलडोजर चलाया। इसराइल हमास जंग के बीच ईरान ने अपने वायुसेना के बेड़े में नए यूएवी मिसाइल को शामिल किया है। हवा से हवा में मार करने में सक्षम है माजिद मिसाइल। साइप्रस में ईरानी हमले को नाकाम करेगा इजरायली एंटी मिसाइल सिस्टम। मोसाद ने साइप्रस में जाकर मदद की। जॉर्डन ने इसराइल पर लगाया गंभीर आरोप। जॉर्डन के विदेश मंत्री ने कहा इसराइल जंग के बहाने फिलिस्तीनियों को गाजा से बाहर करना चाहता है। इसराइल ने जॉर्डन के आरोप को खारिज किया। इसराइल सरकार के प्रवक्ता ने कहा जॉर्डन का आरोप अपमानजनक और झूठा। इसराइल के लिए अमेरिका का बहुत बड़ा फैसला। यूएस कांग्रेस की मंजूरी के बिना इसराइल को हथियार भेजेगा।
$106.5 मिलियन की गोलियां और शेल भेजे जाएंगे। वेस्ट बैंक के तुबास में इजरायली सेना का हमला, तुबास के घर पर बमबारी, हमले के बाद आग की लपटें नजर आई। गाजा में इजरायल का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, एक हफ्ते में 60 जख्मी सैनिकों के रेस्क्यू किया गया। हमास के हमलों से आईडीएफ को लगातार भी नुकसान पहुंच रहा है। गाजा की इमारतों में आईडीएफ ने मोर्चा बनाया, इमारतों की खिड़कियों से लगातार फायरिंग जारी। हमास से अब आमने सामने की हो रही है जंग। हमास के ठिकाने पर आईडीएफ का हमला, मरकावा टैंक से हथियार डिपो को तबाह किया, हथियार डिपो में मौजूद हमास के रॉकेट नष्ट। हिजबुल्ला की धमकी के बाद आईडीएफ का एक्शन हमला, आईडीएफ ने लेबनान पर मिसाइलें दागी हैं, हिजबुल्ला के ठिकानों को टारगेट किया। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के एक साल पूरे होने पर धर्मशाला में आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है, कार्यक्रम में प्रियंका गांधी शामिल होंगी। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज से उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी, वाराणसी में काशी विद्यापीठ के 45वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लुधियाना में भगवंत मान सरकार तुहाडे द्वार योजना की शुरुआत की, इस मौके पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहे। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की बकाया राशि जारी करने की मांग की, उन्होंने कहा कि केंद्र राशि जारी कर देता तो कल्याणकारी योजनाओं में और लोगों को शामिल किया जा सकता। मुंबई में ठाणे के कसारा के पास मालगाड़ी बेपटरी हुई, इगतपुरी सेक्शन के डाउन लाइन की कई ट्रेनें प्रभावित। कानपुर में आम लोगों को घर बैठे ही जेल कैंटीन से स्वादिष्ट भोजन मिलेगा, भोजन और जलपान सामग्री जेल के बंदी तैयार करेंगे। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में दूध की कीमत को लेकर प्रदर्शन, कई इलाकों में किसानों ने दूध बहाकर विरोध प्रदर्शन जताया। मुंबई गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी ट्रैफिक जाम, रायगढ़ में बड़खल और पेन के बीच जाम में हजारों गाड़ियां फंस। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बतियों ने दलाई लामा को नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने की 34वीं वर्षगांठ मनाई, स्कूली बच्चों समेत हजारों लोग समारोह में शामिल। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विकास पुस्तिका सशक्त नेतृत्व समृद्ध उत्तराखंड का विमोचन किया, पुस्तिका के जरिए सरकार की नीतियां जन जन तक पहुंचाई जाएंगी।